नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। केंद्र सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल बनाने का फैसला लिया है। यह ग्रीन वॉल साउथ अफ्रीका महाद्वीप में बने वॉल के तर्ज पर बनाया जाएगा। यह देश के 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। बता दें कि अरावली की पूरी लंबाई 692 किलोमीटर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत इसी साल गुरुग्राम के टिकली से की थी, जहां उन्होंने पीपल का पौधा लगाकर इस हरित दीवार की शुरुआत करी थी। 5 किलोमीटर चौड़ी और 1400 किलोमीटर लंबी यह ग्रीन वॉल गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक बनाई जाएगी। 2023 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में यह दीवार नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से होकर निकलेगी। इसके निर्माण से दक्षिण हरियाणा में स्थित अरावली पर्वतमाला के पूर्व के स्वरूप में लौटने की उम्मीद की जा रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला में हरियाली व जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र ने हरियाणा सरकार के सहयोग से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल विकसित किया जा रहा है। इसके कुल लंबाई अरावली पर्वत श्रृंखला से दोगुनी होगी। बीते 2 दशक में तथा कथित विकास और अवैध खनन के कारण अरावली की पहाड़ियां समतल हो चुकी है। अब यह भारत के पश्चिम और पाकिस्तान की ओर से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकने में असक्षम साबित हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही पर्यावरण से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।